सो लेट्स मेक पाव भाजी टुडे इन मुंबई स्टाइल। मैं इसमें MDH के मसाले यूज़ करूँगी। आप कैरेट, पोटैटोज, कॉलीफ्लावर, कैबेज, अनियन सब यूज़ कर सकते हैं, पीस जो जो आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें सारी वेजेज हम कट करेंगे और इसको कुकर में डाल के इसकी विसल लगवाएंगे, 3 whistles लगवाएंगे। मेन वाला हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे जिसमें कैप्सिकम यूज़ होगी। कैप्सिकम को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम तड़का लगाते हैं बाकी सब्जी को, वैसे इसमें तड़का यूज़ होगा। तेल में जीरा हल्का सा डालेंगे और उसमें अनियन इसमें ऐड कर देंगे, चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। मीनवाइल जो हमने वेजेस डाले थे कुकर में विसल के लिए, वो हम देखेंगे कि रेडी है कि नहीं, और उसको हमने अच्छे से मैश करना है। अब वापस आते हैं अपने तड़के पे। तो तड़के में हमने अनियन ऐड किया था, उसमें हम कैप्सिकम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम सॉटे करेंगे। तो इसमें हम हल्का सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे और बाकी जो हमने बॉइल्ड वेजेस साइड पर रखी थी वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। बॉइल्ड वेजेस डालने के बाद मैं इसमें पीज़ ऐड करूँगी। आपका ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं, वरना आप अवॉइड करें इसको। और फिर ऐड होगा मेन इंग्रेडिएंट जो है पाव भाजी का, वो है पाव भाजी मसाला। मसाले के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो कलर प्रोवाइड करती है वेजेस को। साथ ही में धनिया पाउडर ऐड होगा, हल्का सा गरम मसाला भी ऐड होगा। बस इन सब चीज़ों को 15 मिनट तक आप स्लो फ्लेम में कुक कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मैश करना है, जितनी भी वेजेज हैं हमारी। ये हमारा साइड बैटर रेडी हो गया। अब मेन आता है इसका। इसको हमने जैसे बाहर का हम खाने जाते थे उसका, तो मेन फ्लेवर के लिए हम किसी भी कढ़ाई में बटर ऐड करेंगे, अमूल बटर। और जो हमने बैटर रेडी किया था हम इसमें इसको स्प्लटर कर देंगे। बस पाव भाजी रेडी है। फिर से हम थोड़ा सा इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे, फ्लेवर थोड़ा और अच्छे से आ जाए, और कुछ नहीं है। और इसमें हम तड़का लगाएंगे, नॉर्मली जैसे गुजराती लगाते हैं। थोड़े से तेल में आप लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं और उसको सीधा तड़का लगाएं। इसको फ्लेवर देने के लिए मैंने कोला यूज़ किया। आप इसको नॉर्मली जैसे रेस्टोरेंट में आपको भी पता होगा कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने दिखाया है। इसकी आपको फ्लेवर देना है बेसिकली इसमें। बस पाव भाजी आपकी रेडी है। और इसको आप सर्व कर सकते हैं पाव के साथ। दैट्स इट, बाय बाय।